अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुमी ससंग जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और देख रहे हैं फिलहाल में मुकेश सहनी जी के बारे में बातचीत हो रही है, उन्हें सीट मिला है। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे कि मुकेश सहनी जी को सीट मिल रहा है और वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें भी अपना अधिकार चाहिए, और हमें भी वोट सपोर्टर भी हैं हमारे कास्ट से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी व्यक्ति के विषय में नहीं, हम पूरे के पूरे राष्ट्र के विषय में बात करते हैं, और ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और देश की एकता अखंडता में सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग रहता है। तो हम सबकी बात करते हैं, पूरे बिहार की बात करते हैं, और बिहार के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक जाति का, मजहब पंथ संप्रदाय से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है। उनके संकल्प अर्थात राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प, और माँ भारती को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं आज NDA जो है वो संपूर्ण देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की के राह पर ले जाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ता हुआ भारतवर्ष सबके साथ और सबके सहयोग की बात करता है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, जो परिवारवाद की मंडली है, परिवारवाद की जमात है, जो सिर्फ अपने परिवार के लोगों की बात करते हैं। इनके परिवार में सिर्फ लालू परिवार, मुफ्ती परिवार, मुलायम परिवार, गांधी नेहरू परिवार, ये परिवारवाद की मंडली है। इसने पूरे देश को लूटने का काम किया है। आज कहीं ना कहीं ये परिवारवाद की मंडली देश के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। चलिए, और जिस तरह से पप्पू यादव जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उसमें सदस्य नहीं माना जा रहा है, इसमें क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? अत्याचार हो चाहे नहीं हो, तो ये उनकी पार्टी बताएगी ना, ये मैं कौन होता हूँ उनके ऊपर प्रतिक्रिया देने वाला। और हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने बार बार बताया, महत्वपूर्ण देश की जनता है ना, वो थोड़े महत्वपूर्ण है। तो देख रहे हैं किस तरह से बयान दिए हैं और किस तरह से बीजेपी अपना कार्य कर रहे हैं, और मुकेश सहनी को क्या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आगे जाके आप चैनल के जरिए देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।